नेशनल खबर सब पर नजर। ऋषिकेश शहर से अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर विरोधी चेहरे खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते लगातार बैठकों का दौर जारी है। हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता द्वारा दी गई अपील पर सुनवाई के बाद शहर से अतिक्रमण हटने के आदेश हुए हैं, लेकिन ऋषिकेश में हाईकोर्ट के आदेश का मखौल बनाकर रख दिया है। आदेश के बावजूद जनप्रतिनिधियों के दबाव में लगातार हो रही व्यापारियों के साथ बैठकें नगर निगम प्रशासन के लिए कार्रवाई में रोड़ा बन रही हैं। दरअसल याचिकाकर्ता अनिल गुप्ता ने हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए, लेकिन लगातार मिल रही शिकायत के बाद ऋषिकेश नगर आयुक्त ने कार्रवाई शुरू की तो व्यापार मंडल पूरी तरह से बौखला गया। निर्णय का जहाँ तक सवाल है, ये हाईकोर्ट की बात कहकर ये बरगला देते हैं व्यापारियों को कई बार, और हमारा व्यापारी वर्ग इतना सीधा है कि इनकी बात में आ जाता है। जो नगर आयुक्त ने फिर भी ये कह दिया कि मैं तो जो कार्रवाई करूँगा, हमारा ये कहना है कि जो जाली है, जाली का कोई आदेश उस हाईकोर्ट के आदेश में नहीं है, जो दुकानों के थड़े के आदेश हैं कोई आदेश नहीं है। आप अपनी संपत्ति, पहले तो आप अपनी संपत्ति तो चिन्हित कर नहीं पा रहे हैं, है ना, और आप जबरदस्ती व्यापारी पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। उसके लिए खुले मंच से प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते और अन्य व्यापारियों ने भी खुले मन से कहा है कि यदि आप उत्पीड़न करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, सब पे समान कार्रवाई होनी चाहिए, यह नहीं कि केवल सरस्वती मार्केट पे हो या एक पर्टिकुलर स्थान पे हो। अभी MNA साहब ने 3 दिन का एक फतवा जारी कर दिया कि 3 दिन के अंदर मुझे अग्रवाल धर्मशाला के सामने से मैं नाले के पीछे पीछे चलूँगा, 3 फुट का रास्ता क्लियर चाहिए। यदि नाला ही है तो मैं अहित नहीं कर रहा हूँ और व्यापारियों का, नाला ही है तो जहाँ से शुरू और जहाँ खत्म है वहाँ तक 3 फुट चल के दिखाएं वो। याचिकाकर्ता अनिल गुप्ता ने बताया कि लगातार बिना औचित्य के ये बैठकें की जा रही है, कोर्ट के आदेश के बाद ऐसी बैठकों का कोई भी औचित्य नहीं है। बैठकों का कोई औचित्य नहीं है, ये व्यापारिक नेता जो है प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए जो है नेता अधिकारियों को अपनी मीटिंगों में बुला रहे हैं, अधिकारियों को गुमराह करके मीटिंग में बुलाया जाता है, उन्हें किसी और मुद्दे का संज्ञान लेने के लिए बुलाया जाता है। अगर व्यापारी को कोई समस्या है तो वो मुख्य नगर आयुक्त से नगर निगम में जाके मिल सकते हैं, और मैं ऐसे अधिकारियों को भी सलाह देना चाहता हूँ कि किसी भी सार्वजनिक प्रोग्राम में जाने से पहले देख लें कि वहाँ पर मुद्दा क्या उठाया जा रहा है। देखिए, मैं अतिक्रमण के खिलाफ 12 साल से क्रमबद्ध तरीके से लड़ रहा हूँ, और ऋषि केस में अंतिम ईंट जब तक अतिक्रमण की नहीं हटेगी तब तक मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। वहीं साफ शब्दों में मुख्य नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्वेरियाल निगम ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश है, इसलिए किसी भी दबाव में काम नहीं किया जाएगा, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो बैठक थी उसमें अतिक्रमण मेन मुद्दा था, उसके अलावा ट्रैफिक की समस्या थी और सफाई की समस्या थी। तो अतिक्रमण के संबंध में व्यापारियों के साथ जो पहले भी हमने बताया था कि नाले के ऊपर अतिक्रमण नहीं होने देंगे, नाले के ऊपर व्यापारी सामान नहीं रखेंगे, तो उस बात को व्यापारियों ने भी अपनी सहमति दी है। व्यापारियों ने कहा कि नाले के ऊपर जो रेलिंग बनती है या ग्रिल बनता है उसमें एक रूपता हो, उसके लिए नगर निगम हम उनको ग्रिल वो बनवा के उनको देंगे, और इसमें हम बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी इस तरह ग्रिल के ऊपर अतिक्रमण की बात है एक रूपता रहे, और नगर निगम पूरा प्रयास करेगा कि वो पहले ग्रिल बनाएंगे और उसके ऊपर व्यापारियों द्वारा फिर अगर सामान रखा जाता है फिर हम चालान की कार्रवाई उसमें करेंगे। नेशनल खबर सब पर नजर।